नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष भोजवानी। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश और राज्यों के शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी फंसे हुए हैं यहां वहां, इन्हें लेकर नहीं हो पा रहा कोई फैसला, पालक परेशान। ग्रामीण इलाकों में कृषि और निर्माण कार्यों को शर्तों के साथ संचालित करने की मिली अनुमति, शहरों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की ही दुकानें खुली। राष्ट्रीय स्तर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एडिटर के विरोध में कांग्रेसियों ने उठाया मामला, राष्ट्रपति के नाम सौंपा एसपी को ज्ञापन। और लोगों द्वारा कचरे जलाए जाने से शहर का वातावरण हो रहा प्रदूषित। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के चलते वे विद्यार्थी और उनके माता पिता काफ़ी परेशान हैं जो अब तक अपने घर पर ही नहीं पहुंच सके। शहर के अनेक लोग प्रदेश और अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन हुए 28 दिन बीत चुके हैं। कोई अपने माता पिता को घर लाने के लिए कलेक्टर से अनुमति मांग रहे हैं, तो कोई बाहर पढ़ने गए बच्चे को घर लाने की अनुमति मांगने के लिए कलेक्टर में लाइन में लगे हुए हैं। क्या है इनकी परेशानी, आइए जानते हैं इस खबर में। जिस तरह कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे राजस्थान के कोटा के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में प्रदेश के हजारों बच्चे फंसे हुए हैं, उनकी हालत को लेकर पालक परेशान हैं। उसी तरह बस्तर के बच्चे भी प्रदेश और राज्य के बाहर के शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने गए हुए हैं। ये बच्चे भी अपने घर आने को तरस रहे हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन के प्रथम चरण को किसी तरह लोगों ने काट लिया, लेकिन लॉकडाउन के दूसरे चरण में वे लोग परेशान हैं जिनके माता पिता या बच्चे प्रदेश या प्रदेश से बाहर हैं। वे सभी अपने परिजनों को घर लाने के लिए कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। बुधवार को भी काफ़ी लोगों की भीड़ कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर कक्ष के समक्ष लगी रही। आइए सुनते हैं इन लोगों का क्या कहना है। कोटा में है और मैं उसे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार दो चार बार यहाँ आ चुका हूँ। इस बार कलेक्टर महोदय से मिलना चाहता हूँ सर से, और परमिशन लेकर अपने बच्चे को लाना चाहता हूँ, क्योंकि कोरोना का महामारी कोटा में पहुँच चुका है और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कायदा लगाई गई है कि बस सेवा दी जाए। किंतु हाँ, मुख्यमंत्री ने भी कहा है, किंतु आज पर्यंत तक इस पर किसी प्रकार का कोई भी प्रक्रिया चालू नहीं की गई है, जिसके कारण मुझे अभी सर से यहाँ है ना सर, यहाँ बहुत से लोग हैं, इसलिए नहीं अभी तो मैं स्वयं आया हूँ और एक और आए हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि परमिशन मिल जाए जो अपने बच्चों के यहाँ ले आ सकें और वो अपने आप में सुरक्षित महसूस करें। वहाँ पे वो असुरक्षित है और मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका है। जाने की परमिशन लेने आए सर, बिलेंसर जिला बिलेंसर, यहाँ कुमारपारा में रहता हूँ, अपने घर के लिए जिला बिलेंसर यूपी। कतार में खड़े कुछ ऐसे लोग भी मिले जो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य करने की अनुमति मांग रहे थे। इनमें से अधिकांश लोगों को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि कलेक्टर द्वारा बाहर से किसी भी व्यक्ति को आने या जिले से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर अय्यास तंबोली ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्राथमिकता पर जो ऐसे लोग हैं जिनके हेल्थ रीजन से कैंसर की ट्रीटमेंट या कोई हायर इलाज जो जगदलपुर में नहीं हो पाता, ऐसे इलाज के लिए अगर कहीं बाहर जाना तो उसके लिए हम लोग अनुमति दे रहे हैं। दूसरा, ऐसी स्थिति में जहाँ पे घर में कोई दुखद घटना हुई है किसी के परिवार में, माता की, पिता की या किसी की, तो ऐसी स्थिति में अनुमति देंगे। अन्य स्थिति में कोटा के बच्चों के लिए वर्तमान व्यवस्था यह है कि बच्चे वहीं पे, उनको कोई भी समस्या हो तो प्रशासन को बताएं। और राजस्थान गवर्नमेंट से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा की थी, माननीय राजस्थान मुख्यमंत्री जी से, तो कोटा में उनको कोई समस्या है तो उस समस्या के लिए हम समन्वय वहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ करेंगे। वर्तमान में लाने ले जाने का कोई अनुमति यहाँ से जारी नहीं हो रहा है। सर, जैसे कुछ ठेकेदार हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, क्या उन्हें अनुमति मिल रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति है, जो काम चल रहा है वो वहाँ पे जो इन हाउस लेबर है उनके माध्यम से किए जाने हैं या स्थानीय लेबर के माध्यम से करने हैं, उसके लिए अनुमति दी जा चुकी है। और कुछ विषय सर? दो तीन विषय हैं। एक तो जो विधिवत गतिविधियाँ अलाउड है उतनी गतिविधियों की दुकानें खोलने की अनुमति है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने विशेष रूप से नरेगा के कामों को प्राथमिकता दी है, वनोपज के क्रय विक्रय को अनुमति दी है, और जो
जो पूर्व में संचालित गतिविधियाँ उतनी ही अलाउड है। तो लॉकडाउन बरकरार है, जो अभी भारी संख्या में बाहर निकल रहे हैं ये सर्वथा गलत है और इससे बचना चाहिए। ये संकट समाप्त नहीं हुआ है और जो भी लोग बाहर से आते हैं उनकी सूचना हमें ज़रूर दिया करें कि आपके पास पड़ोस में कोई बिना जानकारी के कहीं से आ गया है, तो ज़रूर प्रशासन को जानकारी। शासन प्रशासन लोगों की समस्याओं को दूर करने में लगा हुआ है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ाई में हम अपने घर में ही रहकर इससे जीत सकते हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। राष्ट्रीय मीडिया में राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने सिटी कोतवाली में FIR दर्ज कराया है। विधायक रिक्चन जैन सहित अन्य कांग्रेसियों ने एक ज्ञापन CSP को सौंपा है। राष्ट्रीय स्तर के एक मीडिया चैनल के एडिटर के खिलाफ कांग्रेसियों ने सिटी कोतवाली में गुरुवार को एक मामला दर्ज कराया है। विधायक रिक्चन जैन सहित अन्य कांग्रेसियों द्वारा इसी संबंध में एक ज्ञापन CSP हेमसागर सिद्धार को सौंपा गया। क्या है पूरा मामला, ये हमें बता रहे हैं विधायक रिक्चन जैन। ये जो ज्ञापन है 16/4/2020 को हमारे कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी जी ने जो देश में कोरोना वैश्विक महामारी जिस तरीके से फैली हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर WHO की जो गाइडलाइन है उस मामले को लेकर अपना सुझाव दिया था और देश को कोरोना से मुक्ति के लिए उनके सजेशन थे। मीडिया के अर्णब गोस्वामी जो कि रिपब्लिक TV के हेड हैं, रिपब्लिक भारत और ARG क्वालक्लियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये तीन मीडिया समूहों ने हमारे राहुल गांधी जी की जो सोच थी कि WHO की गाइडलाइन के अनुरूप देश में ऐसा पालन हो जिससे इस महामारी से हम लोग बच सकें, इस बात को तोड़ मरोड़ कर मीडिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया और जनता को गुमराह करने की काम अपने मीडिया का दुरुपयोग करते हुए किया गया, जिससे आम पब्लिक पर गलत प्रभाव पड़े, ये उनकी सोच थी। इस बात की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम सभी कांग्रेस पार्टी के, हमारे अध्यक्ष जी, महापौर जी, हम कांग्रेस के सभी साथी आज पूरे देश में इन समाचार समूहों के खिलाफ FIR कराने के लिए हम लोग आज थाना पहुंचे हैं और थाना करा रहे हैं। गौरतलब है कि ये विरोध पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। ये मामला 16 अप्रैल का बताया गया है, जब राहुल गांधी ने WHO के COVID-19 पर दिए गए गाइडलाइन के आधार पर कुछ सुझाव सरकार के सामने रखा था, जिसे एक राष्ट्रीय स्तर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया था। इसी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी भी एकजुट हुए हैं और इस मामले के खिलाफ संबंधित मीडिया के एडिटर पर FIR दर्ज करने की मांग कांग्रेसियों द्वारा की गई है। इसे तो सिटी कोतवाली में आज कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा। बस्तर की बात, जगदलपुर। 20 अप्रैल को बस्तर जिले के लगभग सभी कार्यालय खुले रहे। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट में स्थित कार्यालयों में भी कार्य प्रारंभ हुआ। कार्यालयों में सामाजिक दूरी और स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है, जिसके चलते कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर एक ही पैंडल सैनिटाइजर रखा गया है। इसमें लोग अपने हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। इसी तरह कलेक्टर कक्ष के समक्ष भी सैनिटाइजर पैंडल मशीन रखा गया है, जिसमें लोग अपने हाथों को उसमें ट्रेस करने के बाद कलेक्टर और कलेक्टर के कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान सामाजिक दूरी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसी तरह अन्य कार्यालयों में भी कर्मचारी की कम संख्या के साथ कार्य किए जा रहा है, ताकि अति आवश्यक कार्य संपादित हो सके। बलदेव स्टेट में आदिवासी नाबालिग बालिका को प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस ने FIR में नई धाराएं जोड़ दी। बालिका के आदिवासी होने के प्रमाण मिलने के बाद उसे अनुसूचित जाति अनुजाति थाने में लाकर बयान दर्ज करने की तैयारी पूरी पुलिस द्वारा की जा रही है। बलदेव स्टेट मामले में
नाबालिग बच्चे के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पुलिस ने FIR में नई धाराएं जोड़ दी हैं। इससे पहले दर्ज की गई FIR में जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण उससे संबंधित धाराएं नहीं जोड़ी जा सकी थी, लेकिन वर्तमान में प्रमाण पत्र मिलने के बाद पुलिस ने इसे FIR में जोड़ दिया है। बलदेव स्टेट का मामला जो सोशल मीडिया के जरिए जो है संज्ञान में आया था, पूर्व में जो है पीड़िता को तलब किया गया था जिसके द्वारा घटना कुछ नहीं होने के संबंध में बताया गया था और CWC में भी उसे चाइल्ड लाइन के जरिए प्रस्तुत करने के बाद वहां पर भी उसने घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी, परंतु गांव जाने के बाद उसके द्वारा जो है गाँव वालों के समक्ष अपने साथ जो घटना हुई उसको बताया था और उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे आया था, जिसके बाद पुनः जो है तोंगपाल थाना प्रभारी के जरिए उसके गृहग्राम लड़की से संपर्क किया गया और उसके माता पिता को पुनः तलब किया गया था, जिसके बाद उसने जो है माता पिता के समक्ष अपने साथ हुई घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद तुरंत हमारे द्वारा जो है धारा 344, 323 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अभी मामले में जाँच चल रही है। लड़की अभी अपने गृहग्राम लेदा में है, जिसका मेडिकल वगैरह जो है सारी जो वैधानिक कार्रवाई वो अभी करवाई जा चुकी है। साथ ही आदिवासी बालिका को आदिवासी थाने में बुलाकर बयान दर्ज करने की तैयारी पुलिस द्वारा की जा रही है। गौरतलब है कि बलदेव स्टेट के एक ब्लॉक में रहने वाले एक परिवार के घर में रहकर काम करने वाली नाबालिग आदिवासी बालिका को प्रताड़ित किया जा रहा था। बाद में बालिका द्वारा 5वीं मंजिल से नीचे उतरने के लिए पाइपलाइन का सहारा लिया गया था, जिसे देखते हुए परिवार ने उसे उसके गांव लेदा भेज दिया था। बाद में लड़की ने अपने परिवार के साथ आकर पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई थी और इस पर मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने बलदेव स्टेट में रहने वाली एक महिला और उसकी 20 साल की पुत्री के विरोध में मामला दर्ज कर लिया है और शीघ्र ही कार्रवाई करने की बात कही गई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। भारतवर्ष में कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, शासन द्वारा निर्देश है और 144 की धारा लगी हुई है, इसलिए मैं पूरे जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो घर पर रहे और खुद अपने आप को सुरक्षित रखे, ताकि अगर वो यदि घर पे रहते हैं तो आसपास के लोग भी घर पे रहेंगे और इससे बहुत एक अच्छा मैसेज जाएगा और इससे हम सब सुरक्षित रहेंगे। मेरे सभी शहर के बुद्धिजीवी सभी लोगों से मेरा एक अपील है, नगर निगम के अध्यक्ष होने के नाते आज जो कोरोना चल रहा है उसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि जरूरत बहुत ही ज़रूरी काम हो तब आप घर से निकले, नहीं तो अपने घर में आप आराम करिए, स्वच्छ रहिए, ताकि जो शासन प्रशासन आप लोगों के लिए जो योजना बनाई है घर घर तक पहुंचा रही है उसका आप फायदा उठा करके आराम से घर में रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए चलते हैं खबरों की ओर। स्थानीय रमैया वार्ड के एक स्थान से बुधवार की सुबह धुआं उठता दिखा। हमारे संवाददाता ने कहीं आग लगने की आशंका के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि वहां कचरे जलाए जा रहे हैं। प्रतिबंध के बावजूद नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कचरा जलाने की घटना देखने को मिल रही है, इससे शहर का पर्यावरण दूषित हो रहा है। बुधवार की सुबह रमैया वार्ड स्थित जैन वाटिका में वहां के चौकीदार द्वारा जमा कचरे को जलाया गया, जिससे काले धुएं से पूरा वातावरण दूषित हो उठा। गौरतलब है कि नगर निगम क्षेत्र में कचरे को जलाने की अनुमति नहीं है। कचरे में शामिल पॉलीथीन के जलने से विषैली गैस से पर्यावरण प्रदूषित होता है। ज्ञात हो कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन के माध्यम से पूरे शहर में कचरे एकत्रित किए जाते हैं। लोगों का कहना है कि दो बार डोर टू डोर कचरा वाहन का संचालन किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में अधिक कचरे निकलते हैं उसे वाहन संचालकों द्वारा लेने से इनकार कर दिया जाता है। जैन वाटिका के चौकीदार इस संबंध में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अरे कचरा गाड़ी वाला नहीं ले जाऊंगा बोला तो मैं दो बोरी निकला था उसको जला दिया। कब से रखे थे दो बोरा? ये अभी दो तीन दिन ऊपर छत को साफ किया ना, कुछ कचरा लोंग था, फ्लेक्स लोंग पूरा सड़ गया था, ये समाज वाला रहा उसको इकट्ठा करके फेंकूंगा बोल रहा था, कचरा गाड़ी वाला नहीं ले जाऊंगा बोला तो ठीक है जला देता हूँ। अपने शहर और अपने घरों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने में आम नागरिकों को भी अपना सहयोग देना चाहिए।
बस्तर की बात, जगदलपुर। बुधवार की दोपहर गणेश राइस मिल में एक बड़े जहरीले सांप को देखा गया, जिसकी सूचना 112 को दी गई। इमरजेंसी सेवा 112 द्वारा गणेश राइस मिल पहुंचकर स्नैक्स कैचर हामिद खान को बुलाया गया। उन्होंने सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में रिलीज कर दिया। इधर गर्मियों की शुरुआत से ही शहर और उसके आसपास के इलाकों में सांप निकलने की घटनाएं लगातार प्रकाश में आ रही हैं। आइए चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश और राज्यों के शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी फंसे हुए हैं यहाँ वहाँ, इन्हें लेकर नहीं हो पा रहा कोई फैसला, पालक परेशान। ग्रामीण इलाकों में कृषि और निर्माण कार्यों को शर्तों के साथ संचालित करने की मिली अनुमति, शहरों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की ही दुकानें खुली। राष्ट्रीय स्तर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एडिटर के विरोध में कांग्रेसियों ने उठाया मामला, राष्ट्रपति के नाम सौंपा SP को ज्ञापन। और लोगों द्वारा कचरे जलाए जाने से शहर का वातावरण हो रहा प्रदूषित। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।